है 2022 एक्ट बनाया हुआ है, ये सिर्फ दो हाई लेवल स्कूलों के लिए बनाया है जो 10,000 से लेकर 30,000 रुपए फीस लेते हैं, उसको मद्देनजर रखकर ये एक्ट बनाया है और हम छोटे स्कूलों के ऊपर मुसलत किया हुआ है। ये 5% दो स्कूल है मेरे ख्याल से ये जितने स्कूल्स की आज हमारे कान भर के प्रिंसिपल साहबान बैठे हुए हमारे सारे स्कूल जो तकरीबन 3,000, 2,500 रुपये वाले वो इतने ज़्यादा आज तक की महंगाई में तो इतने ज़्यादा फीस ली और खास करके सफाई के लिए पूरे पाकिस्तान में जब कोरोना है ना जनाब हमारे पास 8.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है। हम आपके लिए लाना चाहते हैं बलूचिस्तान के दूर अर्ज में 3,000 प्राइवेट स्कूल, तकरीबन 8 लाख के लगभग बच्चे और बच्चियां हमारे यहाँ से तालीम है जो तकरीबन बलूचिस्तान के कुल दाखिल बच्चों का 45% है। इन इदारों में तकरीबन 50,000 के करीब इसातिज़ा खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन इदारों के मसाइल हल करने के लिए माजी में 10 तंजीमें काम कर रही थीं, अब बलूचिस्तान के सारे तालीमी तंजीमों ने मुश्तरक तौर पर यह फैसला कर लिया है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म से प्राइवेट तालीम इदारों के अमूर और मसाइल को हल करने के लिए एक साथ काम करने पर इत्तेफाक करते हैं। अब 10 तंजीमों पर मुश्तमिल तंजीम का नाम बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अलायंस होगा। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। निजी तालीमी इदारों के चिकना मसाइल और खदशात दर्जेल हैं। नंबर 1, प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए बनाया गया एक्ट 2022 के मुताबिक हमारे तहफ़ुज़ात का हल। प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए प्रोफेशनल टैक्स और दीगर गैर ज़रूरी टैक्स पर हमारे शदीद तहफ़ुज़ात हैं। मिडिल बोर्ड के इम्तहान के नाफिस तरीक़ार पर भी हम तहफ़ुज़ात होते हैं। मैट्रिक रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन तरीक़ार पर भी हमारे तहफ़ुज़ात हैं। निजी तालीमी इदारों और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गैर ज़रूरी शराइत पर भी हम तहफ़ुज़ात रखते हैं। हर तालीमी फॉर्म पर बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अलायंस को नुमाइंदगी दी जाए। ये अलायंस 10 दर्जेल तंजीमों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, आल बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जिसके सूबाई सदर मोहतरम सदर मोहम्मद नवाज पंद्रानी साहब हैं। नंबर 2, इकरा स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान मरकजी सदर अजहर अली कोसर साहब, बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी सूबाई सदर जाफर खान गागड़ साहब, बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन सूबाई सदर हाजी अजमत खान काकड़ साहब, बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सूबाई सदर हाजी सलीम नासिर, आल इकरा प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सूबाई सदर अब्दुलजाहिर काकड़ साहब, बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम मलक अब्दुल रशीद काकड़ साहब, राइट फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम सदर दाऊद शाह काकड़ साहब, बलूचिस्तान इकरा फाउंडेशन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम कारी हाफिज नेमतुल्लाह साहब, बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम लियाकत अली अजारा साहब, बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अलायंस की काबीना का बाकायदा इलेक्शन हुआ जिसमें इन तमाम इदारों को एक साल के लिए मुंतखब किया गया है। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज जनाब गुलजार अहमद कमालजी साहब, हजरत जनाब हाजी अजमतुल्ला खान डॉक्टर साहब और डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब ने अंजाम दिए। इन अरकान में जाफर खान काकड़ साहब को मुश्तरक तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया है। हजरत अली कोसर साहब को सीनियर वाइस चेयरमैन, हाफिज नेमतुल्लाह साहब को वाइस चेयरमैन, मलक अब्दुल रशीद साहब को काकड़ और मलक अब्दुल रशीद काकड़ साहब को सदर, दाऊद शाह काकड़ साहब को नायब सदर, मोहम्मद नवाज तंद्रानी साहब को जनरल सेक्रेटरी
और अब्दुल जाहिर साहब को ज्वाइंट सेक्रेटरी, हाजी सलीम नासिर तर्जुमान हैं इस अलायंस के, लियाकत अली हज़ारा एजुकेशनल सेक्रेटरी, जमील अहमद मफानी साहब फाइनेंस सेक्रेटरी। तवक्को है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसाइल के हल के लिए इतिहाद का आज़म और बलूचिस्तान में मजमूई तालीमी मंजरनामे को बढ़ाने के लिए इनकी लगन पर रोशनी डाली जाएगी। नुमाइंदे इज्तमाई तौर पर इन मसाइल से निपटने के लिए मखसूस एक्शन प्लान और इकदाम की वजाहत कर सकते हैं। ये तकरीब मीडिया को अलायंस की उंगलियों और खत्ते में नजी तालीमी शोबा पर मुमकिन असरा के बारे में दरियाफ्त करने का मौका फराहम करती है। हम आपके ताउन के तलबगार हैं। साथी हजरात, अभी कोई सवाल आपके यहाँ से कोई बात करनी है तो हमारे साथी हाजिर हैं। ये हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तमाम पैरामीटर को देखने के कोशिश की बात है, लेकिन क्या ये इतिहास माजी की तरह सिर्फ फीस लेने पे वो काम करेंगे या आने वाले वक्त के लिए बच्चों के लिए प्राइवेट टाइम के आधार की बेहतरी के लिए भी कुछ आप लोगों ने तजावीज सुनना होगा। ये हम लोगों ने अच्छे ढंग से बनाए और दोबारा आपने ये खदशा सर के दोबारा निशाना नहीं पूछे कि हम लोगों ने बच्चों की खातिर खास करके बलूचिस्तान की, आपको खुद भी पता है कि अगर प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं होते, आपके सरकारी मुलाजमीन के बच्चे सारे प्राइवेट स्कूलों में, तो इसके मतलब है प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। तो हम लोग यही कोशिश करके हम लोग इसीलिए इकट्ठे हो गए कि कम अज कम लोगों को सुनत हो और खास करके गवर्नमेंट के साथ जो हमारे स्कूल में तलबात होते थे वहाँ पे मिनिस्टर या सेक्रेटरी या सी एम या गवर्नर जो भी हम जिसके पास चले जाते वो कहते थे कि भाई आप लोग जो मुख्तलिफ तंजीमें बलूचिस्तान में काम करें। तो इसीलिए हम ये क्योंकि हम लोगों के सारे मुतालबात तकरीबन एक ही फीस तो माशाल्लाह अच्छी खासी लेते हैं, लेकिन वहाँ के स्कूलों में पीने का पानी और वॉशरूम का जो है उनके वॉश के हवाले से जहाँ तक मैंने देखे हैं तो नाफिस है, कोई खास तवज्जो नहीं है। इस हवाले से इस बात पर तवज्जो दीजिए। लेकिन आप लोगों ने ये कोशिश की है जो आप उसकी बात करें प्लीज, मेरे ख्याल से ये जितने स्कूल्स की आज मालिकान बल्कि प्रिंसिपल साहबान बैठे हुए हैं, हमारे सारे स्कूल जो तकरीबन 3,000, 2,500 रुपये वाले वो इतने ज़्यादा आज तक की महंगाई में तो इतने ज़्यादा फीस लिए और ख़ास करके सफाई के लिए वाले में तो ये ज़रूरी है। जो खदशात यहाँ पे आप लोग बयान कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की लेवल पे हैं वो तो हम मानते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे अगर खदशात ना होते, अगर वो हुकूमती सरकारी स्कूल अगर फंक्शनल होते तो प्राइवेट स्कूल की इतनी बर्बाद ना होती। लेकिन आप उनकी जान से प्राइवेट स्कूल की बेहतरी के लिए, एजुकेशन लेवल की बेहतरी के लिए फीसिस में तो मानते हैं 2000 कहीं ज़्यादा पड़ा, लेकिन तालीम के लिए बच्चों को बेहतर तालीम के लिए आपको क्या इकदाम करने चाहिए मुश्तक्का तौर पर? इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने सिस्टम को हाइजीन पे लाना है, क्योंकि आज इस जल्दी दौर में जिद्दत के साथ अगर आप तालीमी निज़ाम और सिस्टम को ना चलाएंगे, फीस की बात और फीस के मुतालिक जो फरमाया जाता है कि आप फीसिस देते हैं, बहुत मजहब के साथ हमारे अक्सर जो साथी बैठे हुए हैं हमारी कोई जाती बिल्डिंग नहीं है, हमने बिल्डिंग्स का किराया भी देना होता है और जो बहने और भाई हमारे साथ एज ए टीचर काम करते हैं हम उनको तनख्वाह भी नहीं दे पाते, हम तो उनको एजाजिया देते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, कुछ अर्से बाद या तो वो हमारी बहनों बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं या फिर आप बहुत अच्छे जॉब के हवाले से चले जाते हैं। जो लोग हमारे साथ होते हैं शुरू से आखिर तक हम बिल्कुल उनका ख्याल करते हैं। बहन ने ये बात की मगरब के साथ मेरे और साथी भी शायद बात करना चाहेंगे, आपको जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह। ये सारे प्रिंसिपल सैन साहब अलहमदिल्ला से लीडर हैं। बात इस तरह है कि आप ये सोचिए कि अगर हमारे इदारों में वॉशरूम ना हो या हमारे इदारों में उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा स्कूल देखा है, हम पूजा शहर से ताल्लुक रखते हैं, आपको मैं दावत देता हूँ कि जिस भी आप हमारे इन साथियों के स्कूल को या जो हमारे साथ अलायंस के स्कूल हैं आप आके देखें, अगर वहाँ खुदा कम्युनिकेशन की तो हम आपको जमाना देने के लिए तैयार है, ऐसे हो नहीं सकता है, नामुमकिन नामुमकिन बात है। आप सुने मैडम आप शहर से बाहर की बात कर सकते हैं बिल्कुल सलाम हो गए, हमारा अगर ज्यादा की बात होती किसी की बात साहब की आप बात ऐसे कि बाहर से बहुत सारे स्कूल आए जिनको माशाल्लाह अच्छी फीसें भी मिलती हैं
वो कभी भी ऐसा कच्चा काम नहीं करेंगे जो विदेश की हो। आपको एक अर्ज करूँ, पूरे पाकिस्तान में जब कोरोना है ना जनाब, हमारे पास 8.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा, पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है इन्हीं मुश्किल की वजह से। लेकिन अगर कोई कोई भी साथी, मैं आप सब की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ, आपका कोई भी डिजर्विंग पर्सन होगा, बच्चा होगा, किसी भी हवाले से उसको कोई तकलीफ होगी, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आपके साथ इंशाल्लाह। में तो दोस्तों ये है कि पिछले अखबार से 300 स्कूल क्लोज हो चुके हैं, 300 स्कूल क्लोज हो चुके हैं किसी क्राइसिस से, फीस क्राइसिस से, और जो बजट है वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से स्कूल क्लोज हो गए। दूसरा ये एक साथी हजरत ने कहा कि हम जो अलायंस बनाते हैं पीस के लिए बनाते हैं, पीस बढ़ाने के लिए, माजरत के साथ आज तक खुदा की कसम हमने पीस के हवाले से अलायंस में किसी भी ने इस पर मशवरा नहीं किया कि यहाँ से हमने आजाद पे बढ़ाना है, हमने पीस देना है। और दूसरा ये आप लोग की मैं वो बताता हूँ इल्म में, दूसरा ये कि 3000 स्कूलों में इसमें 2000 स्कूल इस तरह है जो 500 से हजार पे पीस लेते हैं, 500 हजार पीस आजकल है क्या चीज। और दूसरा ये जो आजकल जो हमारे जो नया एक्ट बनाया हुआ है, जिसे मलिक साहब ने कहा है 2022 एक्ट बनाया हुआ है, ये सिर्फ वो हाई लेवल स्कूलों के लिए बनाया है जो 10,000 से लेकर 30,000 पे पीस लेते हैं, उसको मद्देनजर रखकर ये एक्ट बनाया है। और हम छोटे स्कूलों के ऊपर मुसरत किया हुआ है, ये 5% वो स्कूल है जो अभी भी हमारे साथ बैठे नहीं है यहाँ पे, और न बैठना चाहता है, जो आप सबको पता है जो उसमें उसकी शेयरिंग उसकी जात जो शेयर है वो सेक्रेटरी लेवल पे सारी चीजें सारे ऑफिसर उसके साथ शेयर रखते हैं स्कूल में। हम गरीब स्कूल है, हम एजुकेशन के साथ ताउन करने के लिए बनाए हुए हैं, हम मजीद ताउन भी करेंगे, और 10% कम अज कम हर स्कूल में 10% मुफ्त गरीब बेटी बच्चे पढ़ते हैं। आपने कहा था कि हम 1000 पीस लेते हैं, ये 1000 भोजन में गए थे क्या चलते हैं, लेकिन आप लोग जो बदले में टीचरों को जो तनख्वाह दे रहे हैं सिलेबस जो आप लोगों का है या तमाम स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस के जो आप लोगों की यूनियन बनी हुई है वो एक जैसे नहीं है सर, यानी कि आप एक निसाब नहीं रखा जाता, किसी का ऑक्सफोर्ड है, किसी का दावा है, किसी का क्या है, किसी का क्या। दूसरा ये आप लोगों का जो फीस है वो तमाम इदारों का जो रजिस्टर्ड है या कोटा सिटी के अंदर है वो एक जैसे नहीं है। अगर एक इदारा फीस 1000 रुपए लेता है तो दूसरा 500 भी लेता है, ये एक जैसा। ये मेरे ख्याल से आपको पता है इमरान खान का जो गवर्नमेंट है उसमें ये बकायदा हमारे साथ सचिव को चालू सुबह का कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक सिलेबस, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने कुछ इतराज नहीं किए, जो बड़े स्कूल थे जैसे सिटी है डेरेसन स्कूल वो लोग उसकी बात की क्योंकि उसके राहुल जो आपको खुद पता है या बरतानिया में इस्लामाबाद में आप लोगों ने एग्री किया कि बिल्कुल हम एक सिलेबस के उसके ऊंचे भी काम करते हैं। लेकिन अभी मसला हो गया ये जो आप कोर्स की बात कर रहे हैं, अब वो कोयटा से हिंदुस्तान से कोयटा नहीं है, ये अब से लेकर के शो तक वहाँ भी ऐसा रखे है जो एक्सपोर्ट वो कोर्स है वो बहुत लेती है, हर बार वो टीचर जो है वो नहीं है, इसीलिए हम लोगों को जो मुख्तलिफ कोर्स में जो इजी होते हैं क्योंकि हम बच्चों के अगर उसको दे करके एरियल कम्युनिटी में दे करके वही व्यवस्था चेंज कर। थैंक यू सर।